नमस्कार, हाई अलर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। जिस समय देश होली के रंगों में डूबा हुआ था, उसी समय उन्नाव में एक बार फिर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। होली के दिन बिहार थाना क्षेत्र इलाके में देर शाम गांव के बाहर अस्त व्यस्त हाल में मिली नाबालिग बच्ची ने कानपुर के हैलेट अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक हैवान ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, उसके गले पर चोट के निशान भी मिले हैं। बेटी का शव घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया और अब उन्नाव पूरा गांव मांग रहा है बेटी के लिए इंसाफ। न्याय दिलाओ अपने भाई, गरीब है, अभी कब जाएगी बात इसी जगह से? ऐसा हम यहां का शांत नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे गांव का बेटर है, आदमी नहीं सपोर्ट करेंगे, पर हम औरतें मिलकर लड़ेंगे। हमारी मां बेटी आप लूटोगे, भाग देते हैं हम लोग बेटा। जो दोषी है उसको सजा दिलाओ। इंसाफ की मांग, हाथों में कुल्हाड़ी है, इंसाफ की मांग है और औरतों की चुनौती है उस व्यवस्था को जो उन्नाव रेप पीड़िता की मौत के बाद भी उसके गुनाहगारों तक नहीं पहुंच पाई। होली के दिन उन्नाव में जिन दरिंदों ने हैवानियत का खेल खेला वो अब तक भी फरार हैं, पुलिस अब तक खाली है। कानून के रखवाले इस आक्रोश को समझने की कोशिश करें, इशारा साफ है कि इंसाफ जल्दी नहीं मिला तो नाव के इस गांव से उठी चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी। उन्नाव की बेटी के साथ हुई दरिंदगी और उसकी मौत के बाद पूरा गांव आक्रोशित है। हैवानों के खिलाफ औरतें भी घरों से बाहर निकल आई। अब मांग है सिर्फ न्याय की, आरोपियों की गिरफ्तारी की। दोषी है उसको सजा दिलाओ, सबसे बड़ी चीज है, और कुछ नहीं। दोषियों की सजा उसको लिखित दे। होली के दिन उन्नाव में हुए हैवानियत के इस खेल के बाद आक्रोशित परिजन और गांव के लोग बाहर निकल आए, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मांग है गुनहगारों की गिरफ्तारी हो। बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले शैतान सलाखों के पीछे पहुँचे। और नहीं हो रहा तो फिर सीएम साहब सामने आए, सीएम सर से ही बात होगी सर। और बाकी जो हुआ घटना हुआ, घटना स्थल पर घेराबंदी भी नहीं हुई सर, और यहाँ इतना सब कुछ हो गया, घर पे भी नहीं पता चला सर, घर पे नहीं पता चला। हमारे यहाँ चौकी में सिपाही हैं गौरव कटियार जी, वो उन्होंने अपने हाथों से बेटी को एम्बुलेंस में डाला। उनको बताया गया सर कि ये उनकी बेटी है, लेकिन घर में नहीं बताया गया सर कि उनकी बेटी है, आपकी बेटी को ये हुआ ये हुआ। घर में तो बात छोड़ो, गांव में इतने मतलब त्यौहार मनाया जा रहा था, वहां कुछ नहीं हुआ। उन्नाव में 10 मार्च के दिन हैवानियत के खेल में एक बेटी ने दम तोड़ दिया था। हैवानों ने 10 साल की बच्ची से उसकी जिंदगी छीन ली थी। मासूम बच्ची के साथ बलात्कार कर उसे गाँव के किनारे छोड़ दिया गया था। शाम का वक्त था। उन्नाव से आई हैवानियत के खेल की इस खबर ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। बच्ची उन्नाव में गांव के बाहर बुरी हालत में पाई गई थी। दरिंदे ने रेप के बाद बच्ची का गला दबाकर जान लेने की कोशिश की, यही वजह है कि गले पर चोट के निशान भी थे। नाजुक हालत में भी बच्ची को अस्पताल लाया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि वो ज्यादा देर तक मौत से लड़ नहीं सकी। आखिरकार अस्पताल के बेड पर ही उसने दम तोड़ दिया। उन्नाव में एक बार फिर से संसार और हृदय विदारक जो है एक घटना सामने आई है, जहां पर बिहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ वैसी दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और उसकी इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई है। फिलहाल अगर गांव की बात की जाए तो गांव में जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। कई थानों का फोर्स जो है वो मौके पर मौजूद है, पीएसी यहाँ पर मौजूद है, आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर घटना की बात की जाए तो घटना जो होलिका दहन जिस दिन था उसी दिन की पूरी घटना है। यहाँ पर जो बच्ची है 8 साल की बच्ची, वो गांव में जो फाग जो गाए जाते हैं वहाँ पर फाग सुनने गई थी और उसके बाद एक दुकान पर जाती है जहाँ पर वो चिप्स के पैकेट खरीदती है। उसी दरमियान जो वैसी दरिंदे हैं उसको
पकड़कर ये जो आप मेरे दूसरी साइड देख रहे हैं गांव के बाहर का जो ये पूरा क्षेत्र है यहाँ पर लाते हैं, जहाँ पर उसके साथ जो हैवानियत की सारी हदें पार की जाती हैं और उसको बदहवास हालत में छोड़कर जो लगातार सूबे के मुखिया भी पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जल्द से जल्द खुलासा करने की बात कर रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अभी की बात अगर की जाए तो फिलहाल जो आरोपी हैं वो पुलिस की पहुँच से दूर हैं। वो मासूम बच्ची मौत से ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकी, कुछ घंटों में उसकी सांसें रुक गए। इतनी बड़ी वारदात के बाद हड़कंप मच गया। अफरा तफरी के माहौल में पुलिस अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन गुनहगारों की गिरफ्तारी के सवाल पर उनका जवाब भी परिजनों को समझा नहीं सका। सभी लोगों का ये आग्रह है कि घटना का पर्दाफाश हो। सभी ने आश्वस्त किया है कि नहीं, सब लोग सहयोग करेंगे। जो वास्तविक रूप से इसके लिए दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास हैं अभी तक। लेकिन अभी तक जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन से ये संभावित है कि गांव के या गांव के आसपास के ही किसी व्यक्ति द्वारा यह कार्य किया गया हो सकता है वो उसके परिचित ही सर्वाइव नहीं कर पाई और उसकी मृत्यु हो गई। ये एक दुखद घटना है। इस घटना में जो थाना बिहार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और हम लोगों ने अभी 6 टीमें इसके लिए काम कर रही हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने FSL की टीम यहाँ आई थी, उन्होंने साक्ष्य इकट्ठे कर लिए हैं सीन ऑफ क्राइम से, साथ ही जो पोस्टमार्टम के साथ जो साक्ष्य उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं उन सबको भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। उन सबका जल्द ही हम लोग DNA परीक्षण कराएंगे। और चूँकि ये होली के टाइम का घटना है तो ये आशंका हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें गाँव का ही एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो कुछ संदिग्धों को हम लोग ने ऑलरेडी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं और अन्य संदिग्धों के भी बारे में हम लोग पूरे गांव में उनकी सूची बना रहे हैं। जल्द ही इसका अनावरण कर लिया जाएगा। कानून के रखवालों का दावा है कि जल्द ही दरिंदे सलाखों के पीछे होंगे। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। उन्नाव से उठने वाले इस तूफान को संभालने की कोशिश है क्योंकि इतने संवेदनशील मामले पर नजर सीधे लखनऊ से रखी जा रही है। खुद CM योगी ने ट्वीट कर गुनहगारों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। दुष्कर्म पीड़िता बालिका की हत्या की घटना का संज्ञान लेते हुए आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कानून की कड़ी से कड़ी सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर जाकर विवेचना कार्रवाई का अनुश्रवण करें। राज्य सरकारें उनकी पूरी मदद करेगी। CM योगी के ट्वीट के बाद गांव को छावनी तब्दील कर दिया गया। पुलिस फोर्स तेजी से आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं बच्ची के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अड़े हुए हैं। उन्नाव की 9 साल की बच्ची अब हमारे बीच में नहीं है। भले ही वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन अभी उसको उम्मीदें हैं कि उसके आरोपियों को सजा मिलेगी। बीती 10 तारीख को जब होलिका दहन के समय वो घर के बाहर फाग देख रही थी, उसी दरमियान कुछ वैसी दरिंदों ने उसको अपनी हवस का शिकार बनाया और मरा समझकर गांव के बाहर एक खेत में छोड़कर भाग गए, जिसके बाद जो क्षेत्रीय लोग थे उन्होंने देखा और जो बच्ची है उसको इलाज के लिए कानपुर भेजा गया जहां पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल जो बच्ची है, जो मासूम है, वो हमारे बीच में नहीं है। अब वो इस मिट्टी के ढेर के नीचे दफन हो गई है। शायद वो बड़े होकर कुछ नाम करती, कुछ काम करती, अपने परिवार का नाम रोशन करती, लेकिन ये वैसी दरिंदे उसके इस उम्मीदों पर पानी फेर गए और अब वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उम्मीद है, उसको उम्मीद ज़रूर होगी उसकी भटकती आत्मा को कि जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द पुलिस जो है वो गिरफ्तार करे और उनके किए की सजा दे। तो साफ है कि जो आरोपी हैं वो जल्द से जल्द पुलिस की हिरासत में आए और इस पीड़िता की आत्मा को शांति मिले। वीडियो जन संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, ABP गंगा, उन्नाव। उत्तर प्रदेश में खाकी का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है। गाजियाबाद और मुरादाबाद से सामने आई तस्वीरें साफ बताती हैं कि बेखौफ दबंगों को अब किसी का खौफ नहीं और ना ही परवाह है कानून की। दावा है कि गाजियाबाद में सरेआम एक शख्स 2 घंटे तक दहशत फैलाता रहा, लेकिन पुलिस के कानों तक उस दहशत की आवाज नहीं पहुंची। वहीं मुरादाबाद में भी ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी, जहां दबंगों को टोकना एक युवक को जान पर भारी पड़ गया।
होली के दिन दहशत वाली तस्वीरें, शहर में खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें, कानून के रखवालों को चुनौती देने वाली तस्वीरें। यूपी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली ये दो तस्वीरें गाजियाबाद और मुरादाबाद की हैं, जहां खुलेआम बेखौफ दबंग दहशत फैला रहे हैं। दहशत फैलाने वाली पहली तस्वीर गाजियाबाद से सामने आई है। खुलेआम फायरिंग की हैरान कर देने वाली इन तस्वीरों को देखने के बाद सब सन्न है। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें होली की हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रात के बाद कैसे एक शख्स गाजियाबाद फायरिंग कर रहा है। दबंगई के नशे में चूर युवा हाथों में हथियारों को लिए खेल रहा है। दावा है कि युवा करीब दो घंटे तक फायरिंग करता रहा, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तस्वीरें होली के पहले की रात की हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि शराब के नशे में इस शख्स ने शास्त्री नगर कॉलोनी में करीब दो घंटे तक फायरिंग कर दहशत फैलाई। ताबड़तोड़ होती इस फायरिंग से लोग डरे, सहमे, अपने घरों में दुबके रहे। दहशत की दूसरी तस्वीर मुरादाबाद से सामने आई है, जहां बेखौफ बदमाशों को कानून का कोई खौफ नहीं। खुलेआम फायरिंग की ये तस्वीरें सीधे चुनौती हैं शहर की कानून व्यवस्था को। तस्वीरें कटघर कोतवाली इलाके के पीतल नगरी कॉलोनी की है, जहां एक गाय को पत्थर मारने से मना करना मुकेश को भारी पड़ गया। वापस लौटे दबंगों ने अपने साथियों के साथ जमकर बवाल काटा और मुकेश को हथियार दिखाकर धमकाया। उसके बाद दबंग युवकों ने कई राउंड फायर करके इलाके में दहशत फैला दी। मैंने गाय वो गऊ माता को मार दिया था, बंदा पत्थर मार रहा था, मैंने उससे कहा मत मारो भाई। मारने के बाद भी वो बंदा यहाँ से चुपचाप चला गया। दारू उसके दारू वगैरह पीने के बाद आया यार दोस्तों के साथ में, और कुछ बदमाशों लेकर आया और आते नहीं तुरंत फायरिंग शुरू कर दी गई और मेरे ऊपर। यानी कितने लड़के थे जो फायरिंग कर रहे थे? लमसम तीन बंदों के साथ में, यानी कि पांच बंदों के पास में वो था पिस्तौलें थी और लमसम टोटल मिलाकर 25 बंदे थे। अच्छा, तो क्या हुआ, आप कहाँ बैठे हुए थे? मैं इसी जगह, इस जहाँ आपका ये बात कर रहा हूँ, हाँ, ये दूसरे राम जी की दुकान है, चाचा जी दुकान है हमारी, इसी जगह खड़ा था और अचानक ही बंदे आए, वो फायरिंग शुरू कर दी मेरी, यानी कि कंप्यूटर पर रिवॉल्वर लगाया और चला भी, मैंने हाथ मार दिया, वो ऊपर छूट गया। पीड़ित का दावा है कि खबर देने के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। जब फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुई तो पुलिस हरकत में आती दिखाई दे रही है। जो फायरिंग की जानकारी हमारे पास आई तो उसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनको चिन्हित कर लिया गया है, ये भी घर से भागे हुए हैं। और किन परिस्थितियों में फायरिंग हुई, ये वेपन कहाँ से आया, इसके लिए मुझे मेरे द्वारा निर्देशित कर दिया गया है। CO और SHO लगे हुए हैं और इसमें ये भी प्रकाश में आया कि इस घटना के को संज्ञान में लेने में विलम्ब हुआ है, तो उसके लिए भी जो क्षेत्राधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट मेरे द्वारा मांगी गई है, आज शाम तक वो भी रिपोर्ट आ जाएगी उस रिपोर्ट के परिचलन से। सरेआम होती इस फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। डरे सहमे हुए लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जान बचाने के लिए लोगों ने भागना शुरू कर दिया। वही दबंगों के खौफ से पीड़ित मुकेश भी अपने घर से बाहर जाने से डर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी गंगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार देखिए क्राइम डायरी। ब्रेक के बाद हाजिर है, आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। अब हिसाब होगा हर उस गुनाह का जिसका अंजाम सिर्फ जेल है। तो आइए बिना देर किए देखते हैं क्राइम डायरी। हरदोई के सुठेना गांव में एक युवक को पुरानी रंजिश के चलते घर से बुलाकर क्षेत्र पंचायत सदस्य ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि धनीराम ने दीपक नाम के शख्स को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात से गांव में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि दो महीने पहले भी दबंग ने युवक को पीटा और फायरिंग भी की थी, लेकिन कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होने से दबंग के हौसले बुलंद होते गए।
थाना कछौना क्षेत्र के सुहेना गांव में दीपक और दीपू की हत्या हुई है। इस पर 3 लोगों के खिलाफ नामजद चल रही है और इनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। कैसे हत्या की, क्या वजह है? इनकी 1-1.5 महीने से किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी, उसी रंजिश में हत्या हुई। जब पूरा देश होली मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ दहेज के लिए विवाहिता को मौत के घाट उतार दिया गया। दावा है कि पति ने इनोवा कार की मांग पूरी न होने पर साजिश रची और अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पूरे वारदात को आत्महत्या करार देने के लिए उसे फंदे पर टांग कर फरार हो गया। सूचना के काफी देर बाद पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा। आनंद फानंद में महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला अम्बेडकर नगर जिले के इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के NTPC आवासीय परिसर का है। पुलिस फरार पति की तलाश कर रही है।